ज्येष्ठ समाजसेवक महेश पुरोहित यांनी सामाजिक, साहित्यिक, पत्रकारिता अशा अनेक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. आपल्या निर्भय पत्रकारितेतून त्यांनी जो ठसा उमटवला आहे त्यांची प्रेरणा नव्या पिढीने जाणून घेतली पाहिजे अशी अपेक्षा नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली आहे. मंत्री गडकरी यांनी पुजारी यांच्या जीवनातील अनेक प्रसंग सांगून उपस्थितांना खळखळून हसवले. नागपूरच्या रजवाडा पॅलेस येथे महेश पुरोहित यांचा अमृत महोत्सवी सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात नितीन गडकरी यांनी महेश पुरोहित यांच्या संघर्षमय जीवनावर प्रकाश टाकला. तत्पूर्वी महेश पुरोहित यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त उपस्थित प्रमुख पाहुण्यांनी महेश पुरोहित यांचे मनपूर्वक आदरातिथ्य केले. या अमृत महोत्सव आदरातिथ्य सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून वनराईचे अध्यक्ष श्री गिरीश गांधी, खासदार कृपाल तुमाने, ज्येष्ठ समाजसेवक श्री सुरेश शर्मा, श्री दिगंबर दडवी, ज्येष्ठ समाजसेवक रामनिवासजी पारीख, आमदार अभिजित वंजारी, मोहन माटे, यावेळी व्यासपीठावर महापौर दयाशंकर तिवारी, माजी मंत्री नितीन राऊत, अनिस अहमद, जयप्रकाश गुप्ता, उमाकांत अग्निहोत्री आदी मान्यवर उपस्थित होते. आयोजन समितीचे अध्यक्ष अतुल कोटेचा यांनी स्वागतपर भाषण केले. महेश बाबू पुरोहित हरपन मौला के नाम से जाने वाला यह व्यक्ति, इनके विषय में मुझे बोलना यानी सूरज को दिया बताने जैसा है. महेश पुरोहित जी ने अपने जीवन के अंदर चाहे शोषित हो, दलित हो, गरीब हो, सबकी सेवा करने का जो संकल्प लिया था उनको साकार कर एक उन्होंने विदर्भ चंडी का साप्ताहिक नाम का पौधा लगाकर उसके माध्यम से लोगों की सेवा की. महेश पुरोहित बाबा के नाम से जाने वाला यह व्यक्ति कभी किसी के सामने डगमगाया नहीं. जिंदा दिली के लिए उन्होंने हरदम लोगों की सेवा की. आज हम उनका सत्कार कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं. मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने बरसात में भी आकर यहाँ पर स्थान ग्रहण किया. धन्यवाद. कार्यक्रमाचे निमंत्रक माजी आमदार गिरीश व्यास यांच्या हस्ते करण्यात आले. अमृत महोत्सव हमारे सबके परिचित, स्नेही और नागपुर के पत्रकार जीवन से जिनका बहुत अटूट संबंध रहा है, ऐसे आदरणीय महेश पुरोहित के 74 जीवन के वर्ष पूर्ण होकर 75वें वर्ष के पदार्पण पर उनका यह अमृत महोत्सव नागपुर के उनके स्नेही, प्रेमी और सारे संस्थाओं ने मिलकर यह आयोजित किया है. हम सब लोगों को एक बात निश्चित है कि प्रत्येक के जीवन में उसकी वर्षगांठ आती है, फिर पहली वर्षगांठ से लेकर सारे विशेष 5 वर्षो, 11 वर्षो, 25 वर्षो, 50 वर्षो या 60 हो, 61 हो, 75 हो या फिर उसके आगे की सारी जितने भी वर्षगांठ आती हैं, उस सब हम सब लोग अपना मनाते हैं. पर बिरले ऐसे होते हैं कि जिनका समाज एकत्रित होकर उनके कार्य के प्रति अपनी आदर, अपनी सद्भावना, अपना प्रेम, अपना वात्सल्य उनके प्रति व्यक्त करना चाहता है और वह ऐसे नागरिक सत्कार के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है. गिरीश गांधी यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात महेश पुरोहित हे जिवंत व्यक्तिमत्व असल्याचे सांगून पत्रकारितेतील त्यांचे योगदान अतुलनीय असल्याचे वर्णन केले. मंचाचे संचालन महेश तिवारी यांनी केले तर आभार विश्वजीत भगत यांनी मानले. कभी कभी नहीं झुकने नहीं, सब सबको समय भी देता हूँ कि झुको मत. जो सही चीज है सही है बोलो, ये गड़गड़ी चीज पूछ लो. जो गड़गड़ी सत्ता में रहने के बाद भी अपने सत्ता के गलत बात को बोलता है कि वो अभी सही आदमी है और उन्होंने बोलना चाहिए, मैं उनका बहुत फैन करता हूँ. क्योंकि जो अपने दोस्त सही दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त की गलती बतावे, सही आदमी वो होता है जो अपने मालक की गलती बतावे. और गलती बताने वाला मालक पर उसे निकलता है तो मालक बेवकूफ है. ये मेरा कहना है. मैं आप सब लोगों से आभार मानता हूँ कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए. आप सबको धन्यवाद देता हूँ और सभी का अभिनंदन करता हूँ और अपने दोस्त सबसे बात करता हूँ. जब परिस्थितियाँ खराब होती है तो साथ देने वाले कतराने लगते हैं और जब अच्छी स्थिति होती है तो सपोर्ट करने वालों की संख्या बढ़ जाती है. वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ये राजनीति में और सामाजिक कार्यों में एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती है.
पर एक बात जरूर है कि कुछ लोग ऐसे विरले होते हैं कि अपने रिश्ते एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हो हिसाब किताब नहीं करते, और ये हिसाब किताब नहीं करने वाला एक सही अर्थ में एक मर्द पत्रकार, एक निर्भीड़ पत्रकार, मैंने महेश बाबू का उल्लेख करना है। उन्होंने लिखते समय जो सच होगा, जो उनके मन में होगा वो लिखा, और अनेक बार एकाधे बार ऐसा हुआ कि उनको ध्यान में आया कि कुछ इसमें अलग है तो उसको स्वीकार भी किया। मैं याद करता हूँ विशेष रूप से, मैं जब स्टूडेंट था जनता पार्टी का, बाद में जब इंदिरा जी ने जिसका उल्लेख अभी गिरीश भाव ने किया था, वो मेनका गांधी जी और उनका उस समय विवाद हुआ था, और उस समय कॉटन मार्केट में वहाँ एक दुकान थी जो महेश बाबू चलाते थे, और उसी में हम लोग भी नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन होता था, तो संजय विचार मंच के नाम से उन्होंने भी अपनी टोली तैयार की थी। तो मैं उस समय एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के खिलाफ सबको इकट्ठा करने का काम करता था, तो स्वाभाविक रूप से तब उनके साथ तब से मेरा काफी मजबूत रिश्ता रहा। नागपुर शहर में अनेक आंदोलन हुए, अनेक सामाजिक समस्याएं खड़ी हुई, अनेक सरकारें आई, अनेक मंत्री आए, अनेक मंत्री बदल गए, पर उनका जो अप्रोच था वो वैसा ही था, और एक किसी भी बात की चिंता न करते हुए अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना और उस बात को हिम्मत के साथ लोगों के सामने रखना, जो उनके दिल में लगा कि ये बात सच है उसका साथ देना, परिणामों की कभी उन्होंने चिंता नहीं की। और इसलिए मुझे याद है कि एक फिलोसोफर अलू दस्तूर, इनका एक मैं कुछ बातें पढ़ रहा था तो उन्होंने अपने इसमें एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कही थी कि नदी का प्रवाह जब बहता है तो काड़ी कचरा जो होता है, मरी हुई मछली रहती है, वो प्रवाह के साथ बह जाती है, और जो जिंदी मछली होती है वो हर समय प्रवाह के खिलाफ तैरती है, वही उसके जिंदा दिली का सबूत है। महेश पुरोहित उन व्यक्ति में से हो, वो जिंदी मछली जैसा है कि जिसने प्रवाह किस दिशा में बह रहा है इसकी कभी चिंता नहीं की, उसका हिसाब किताब नहीं किया, और सुदृढ़ता से हिम्मत के साथ अपनी बात को लोगों के सामने रखा, और इसीलिए नागपुर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनका अलग स्थान रहा। मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरी उनकी मित्रता जो तब से हुई तब से वो कायम रही। मैं भी थोड़ा उनके स्वभाव का हूँ, क्योंकि राजनीति मेरा पेशा नहीं है, मैं कभी कभी मजाक में मुझे बोलते हैं कि भाई ऐसा मत बोलो, बोलते देखो भाई अच्छा लगेगा तो वोट देना, नहीं देना तो मत देना, बाकी मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूंगा, आपको तय करना है, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आपका अधिकार है। तो इसलिए मेरी बात उनसे बहुत जुड़ती है। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो उनके तरफ देखकर मुझे याद आती है कि हम चुनाव बार बार जब हारते थे तो एक बार मेरा मित्र जो था वो LIT का, वो फॉरेन में गया, तो उधर से उसने मुझे एक किताब भेजी थी, वो रिचर्ड निक्सन के जीवन की थी, जो मुझे बहुत ही अच्छी याद आती है। और रिचर्ड निक्सन ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था, तो वो जब वाटरगेट के बाद उनको अमेरिका में काफी अपमान सहन करना पड़ा, और वाशिंगटन में उनको एक बस्ती में उन्होंने घर लिया तो लोगों ने उनको बहिष्कृत किया कि यहां आप मत आइए, बहुत हेट्रेट था उनके प्रति। तब उन्होंने बहुत पॉजिटिविटी के साथ एक बात कही थी, और वो बात जो कही थी वो मुझे इसलिए अक्सर याद आती है क्योंकि इमरजेंसी के 2-3 साल में मैं भी भूमिगत रहकर काम करता था, और तब स्पर्धा ये थी कि सब लोग 20 कलमी और 5 कलमी कार्यक्रम को सपोर्ट देते थे। वो महेश बाबू को याद होगा, एक राम कुमार शुभकरण तेल वाले रहते थे कॉटन मार्केट में, वो सस्ते में तेल बेचते थे और एडवर्टाइजमेंट में भी लिखते थे 20 कलमी कार्यक्रम को हमारा समर्थन है। तो उस समय हर जगह पर वो उसकी चर्चा होती थी, और हम बहुत बहुत प्रॉब्लम थे, CID पीछे लगते थे, कोई पूछता नहीं था, कोई सम्मान मान तो दूर की बात है, तो ऐसी स्थिति में थे। तो उसी स्थिति में जाने के कारण बहुत बार ऐसा लगता था कि जिंदगी तो ऐसी है,
हमें कभी सत्ता भी देखने को मिलेगी नहीं, ना कभी एमएलए बनेंगे ना मंत्री बनेंगे। तो मुझे बड़ा दृढ़ विश्वास था, यानी 101% विश्वास था कि जिंदगी में एमएलए एमपी तो बनने का सवाल ही नहीं उठता, और मंत्री बनने का तो भी सवाल ही नहीं उठता। तो मुझे अपने सौकर श्रीकांत जिचकार जैसे मेरे मित्र कहते थे कि नितिन तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है, पर तुम गलत पार्टी में हो। मैंने बोला जो है वो है, इट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद इट, जो होगा सो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मैंने एक बात, वो जो किताब देखी थी वो मुझे महेश बाबू को देखकर वो किताब की याद आती है, रिचर्ड निक्सन ने अपने जीवनी में लिखा था द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। लड़ाई में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तब वो समाप्त होता है, लड़ते रहना चाहिए। मैं बहुत स्ट्रांग हो गया, परसों अमिताभ बच्चन जी के यहां मुंबई में 1.5-2 घंटे बैठा था, उन्होंने बार बार कहा कि एक बात बताओ कि आप 10 साल यंग लग रहे हो, आप क्या करते हो? तो मैंने 1 घंटा बैठकर उनको बोला कि मैं ये प्राणायाम करता हूं, ऐसा ऐसा ही आप भी करो, आप भी जवान बन जाओगे, फिर हीरो की नए हीरोइन के साथ काम करोगे। निरोगी और स्वस्थ जीवन आप सबकी आशीर्वादों से शुभकामनाओं के साथ उनको मिलेगा, और जीवन के आखिरी तक कॉम्प्रोमाइज किया नहीं, करना नहीं, जो है वैसे रहना, दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए, लोग बिल्कुल सही है, और चलते रहना चाहिए। और इसलिए जिनकी जान अटकती है ना थोड़े बहुत स्वार्थों में, वो चिंता करते हैं, तुम्हारे मेरे जैसे कोई चिंता नहीं करता। वीकेबी न्यूज साठी कैमेरा पर्सन रोशन बोकड़े सह वैदही चव्हाण यांची रिपोर्ट।